तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द स्टोन हाशिरा के बारे में, गायोमी हिमाजिमा। गायोमी इज़ द मोस्ट पावरफुल हाशिरा इन द डीमन स्लेयर सीरीज इवन थ्रो इज ब्लाइंड। हाँ दोस्तों, ये अंधा है पर तब भी प्रेजेंट में ये सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर है, और इसकी पावर का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गायोमी डीमन स्लेयर बनने के 2 महीने बाद ही हाशिरा में प्रमोट हो गया था। गायोमी की आँखें पूरी वाइट हैं और इसके आँख में कोई भी प्यूपल नहीं है। जब गायोमी इमोशनल हो जाता है तो इसकी आँखों से फ्रिक्वेंटली टीयर्स बहने लगते हैं। तो काफ़ी समय पहले गायोमी अनाथ बच्चों के साथ एक टेम्पल में रहा करता था। ये सभी बच्चे ब्लड रिलेटेड नहीं थे पर तब भी सब एक दूसरे को अपना मानते थे, और गायोमी इन सबको अपनी फैमिली मानता था। गायोमी इन सभी अनाथ बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा करता था और उसको ये लाइफ बहुत पसंद थी। जहाँ पे टेम्पल लोकेटेड था वहाँ पे डीमंस का थ्रेट हमेशा बना रहता था, इसीलिए उस टेम्पल पे एक रूल बनाया गया था कि सनसेट के बाद उस टेम्पल से कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक दिन एक बच्चा सनसेट के बाद भी बाहर रह जाता है और एक डीमन उसके पीछे पड़ जाता है, पर वो बच्चा इतना हरामी रहता है वो डीमन से ही डील कर लेता है, और वो डीमन से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और बाकी सारे टेम्पल में जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें खा लो। पर उस टेम्पल पे विस्टीरिया फ्लावर्स का प्रोटेक्शन रहता है, इसीलिए वो डीमन अंदर नहीं आ पाता है। विस्टीरिया फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो डीमन से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो हरामी बच्चा उस डीमन की मदद करता है और वो विस्टीरिया फ्लावर्स को वहाँ से हटा देता है। अब वो डीमन अंदर आ सकता था और वो डीमन अंदर आके बहुत सारे बच्चों को मारना शुरू कर देता है। 4 बच्चे तो इमिडिएटली ही मारे जाते हैं और बाकी 3 इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को इतना भरोसा ही नहीं था कि गायोमी जैसा इंसान जो कि एक अंधा है और इतना कमजोर दिखता है वो हमें बचा पाएगा। गायोमी की आवाज़ भी इतनी तेज नहीं थी कि वो उनको चिल्ला के कह सके कि मत जाओ। किसी को गायोमी पे भरोसा नहीं था और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बाकी सब भी मारे जाते हैं। बस एक छोटी सी बच्ची बचती है जो गायोमी के पीछे आके छुप जाती है। वो गायोमी पे भरोसा करके वहाँ पे रुकती है। गायोमी मन बना लेता है कि उस बच्ची को कुछ नहीं होने देगा और वो अपनी आखिरी सांस तक उस डीमन से लड़ेगा। जैसे ही वो डीमन आता है गायोमी उस पर झपट पड़ता है और उसे लड़ने लगता है, और गायोमी अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पे पंच करने लगता है। और इस वक्त गायोमी को अपनी पावर का अंदाजा होता है कि वो बहुत ताकतवर है, और ये डीमन कभी अटैक नहीं करता तो गायोमी को अपनी पावर का अंदाजा कभी नहीं होता। गायोमी अपनी पूरी ताकत से उस डीमन पे पंच करता रहता है और तब तक करता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती, और जैसे ही सूरज उगता है वो डीमन मर जाता है। इस तरीके से गायोमी उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। बाद में जब बाकी लोग मदद के लिए आते हैं वो देखते हैं गायोमी के हाथ खून से रगे हुए हैं और चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। जो बाकी लोग रहते हैं वो उस छोटी बच्ची से पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ। एक छोटी बच्चे के लिए ये सिचुएशन बहुत खतरनाक रहती है और बहुत डिस्टर्बिंग रहती है, इसीलिए वो शॉक में रहती है और वो गायोमी को कहती है कि ये आदमी मॉन्स्टर है और इसी ने सबको मारा है। और सभी को लगता है गायोमी ने ही इन सबको मारा है क्योंकि वहाँ पे डीमन की लाश नहीं रहती है। सन की रेस की वजह से उस डीमन की पूरी बॉडी वैनिश हो चुकी थी और वहाँ पे कोई सबूत नहीं रहता कि गायोमी इनोसेंट है। अब गायोमी के पास कोई एविडेंस नहीं बचा था कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके। अब वो सब गायोमी को जेल में डाल देते हैं, और तभी वहाँ पे काया गया उबुशियाकी आ जाते हैं जिन्हें आपने डीमन स्लेयर सीरीज में देखा ही होगा, और वो वहाँ पे आके गायोमी को बचा लेते हैं। और आगे जाके काया गया उबुशियाकी उसे डीमन स्लेयर बना देते हैं, और वो डीमन स्लेयर बनने के 2 महीने बाद ही हाशिरा में प्रमोट हो जाता है। इन सब इंसिडेंट के बाद गायोमी की सोच बच्चों के लिए एकदम से अलग हो जाती है। उसकी सोच ये है कि बच्चे बहुत वीक होते हैं और बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं। किसी के साथ भी ऐसा होगा वो यही सोचेगा, क्योंकि जिस बच्चे की उसने जान बचाई वही झूठ बोल रही है कि इसी ने सबको मारा है। अगर आप स्टोन हाशिरा की पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। बस कमेंट में ये लिख दीजिए स्टोन हाशिरा पावर्स, मैं वीडियो बना दूंगा। और आप मेरी बाकी हाशिरा की वीडियो भी देख सकते हैं जो आपको राइट और लेफ्ट में शो कर रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।